What is up everybody, this is Shubham Pathak and you're watching Shubham Pathak Thanks, and in today's video I'm going to tell you how to color your doodles using these Ohuhu markers. Well, before I start with the coloring section, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आपको Ohuhu markers को लेकर के ध्यान में रखनी है. तो जो सबसे पहले आपको काम करना है बिफोर स्टार्टिंग विद द कलरिंग सेक्शन, यू हैव टू मेक अ कलर पैलेट ऑफ ऑल दिस कलर्स. तो ये कलर पैलेट आपको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता ये है कि कलर पेपर पे सेटल होने के बाद थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा पिगमेंटेशन वाइज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, या तो थोड़ा लाइट हो जाएगा और या तो थोड़ा डार्क हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि अगर आप ये सोचोगे कि ऑलरेडी कैप पे तो कलर दिया ही हुआ है तो हमें मतलब कलर पैलेट बनाने की क्या जरूरत है, तो उस कलर पैलेट से फायदा ये होगा कि आप सही कलर कॉम्बिनेशन बना पाओगे. आप जब भी कोई अपनी डूडल आर्ट कलर करोगे तो आपको वो चीज बहुत हेल्प करेगी. जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको काम करने के बाद हमेशा अपने मार्कर्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है काम करने के बाद, या फिर जब आपका काम हो जाए, मतलब जब आप इसको स्टोर करो तो ऐसे करके करो, बल्कि वर्टिकली मत रखना. तो ये जो दो चीजें थी मुझे आपको शुरुआत में बताई थी, एंड विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कलरिंग पार्ट. ओके गाइस, सो जो सबसे पहला तरीका है जिस तरीके से हम कलर करने वाले हैं, दैट इज बाय यूजिंग डार्कर एंड लाइटर शेड्स ऑफ द सेम कलर. तो लेट सपोज कि मुझे ये वाला जो कॉशन का साइन है उसको मुझे येलो कलर से करना है. सो मैं अपना कलर पैलेट उठाऊंगा, उसमें देखूंगा कि येलो के मुझे दो शेड चाहिए. तो येलो के दो शेड इसमें हैं 45 और 35. 45 नॉर्मल शेड है और 35 थोड़ा डार्कर शेड है. सो मैं ये दोनों शेड्स सेलेक्ट करूंगा. तो इस शेड को हम यूज़ करके, डार्कर और लाइटर शेड को यूज़ करके हम एक 3D इफेक्ट देने की कोशिश करेंगे. तो देखो हमें करना कैसे है. सबसे पहले हमें लाइट वाला जो है 45 वाला कलर है वो हमें सबसे पहले उठाना है. इस 45 वाले कलर से हमें पूरे एरिया को फिल करना है. वी हैव टू पिक द 35 नंबर विच इज़ द डार्कर वन. एंड आपको ध्यान रहे कि जब ये कलर थोड़ा वेट हो तभी आप डार्कर शेड पे जाओ. तब हम क्या करेंगे कि अब हम जो येलो वाला है, जो डार्क येलो है, उसको हम एकदम एक साइड पे चलाएंगे. लाइक यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ जिससे कि राइट साइड वाला पे कॉन्ट्रास्ट बने, ऐसे करके आप एक ऐसा वी टाइप का या फिर सी टाइप का जो साइड में होगा वहाँ पे करना. और ये जो है आप इसमें भी ऐसा थोड़ा सा टेक्सचर दे सकते हो लाइक. अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे जहाँ पे ये कलर मर्ज हो रहा है वहाँ पे हम लाइट वाला कलर लेके फिर से एक बार चला देंगे, जिससे वो थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड हो जाए और कलर का पिगमेंटेशन हमें ना दिखे. या दिस इज़ हाउ वी डू इट. एंड आप देख सकते हो कि रिजल्ट्स काफ़ी सही आए हैं, एज एन एक लाइट टू डार्क शेड बना हुआ है. और इसकी वजह से जो है जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आपका डूडल काफ़ी अच्छा लगेगा. तो ये था पहला टेक्निक ब्लेंडिंग और कलरिंग का. अब हम मूव करते हैं दूसरे टेक्निक की तरफ. ओके गाइस, सो हम बात करेंगे कि अब हम कलरलेस ब्लेंडर का कैसे यूज़ करते हैं. आप ऐसा मत सोचना कि ये कोई भी कलर आप उठा के कलर कर दोगे बीच में और ब्लेंडर चला दोगे तो वो ब्लेंड हो जाएगा. सो यहाँ पे जो मैं कलर्स का सेट यूज़ कर रहा हूँ वो ये है WG4, CG2, CG6 एंड 120. 120 इज़ द ब्लैकेस्ट वन. एंड ये जो तीन हैं वो ग्रे के शेड्स हैं. हमें ये जो बैरल है गन की वो कलर करनी है. तो मैं क्या करूँगा कि आई विल पिक द लाइटेस्ट, दैट इज़ CG2. सो दिस इज CG2. अब मैं क्या करूँगा कि जो सबसे ऊपर का पार्ट है, मतलब जहाँ से बैरल शुरुआत हो रही है, वहाँ पे मैं CG2 का शेड दूंगा. एक लाइन, मतलब एक लाइन बनानी है, पूरा ज़्यादा बड़ा मत जाना. तो अब हम WG4 का एक लाइन देंगे. एंड नाउ द डार्क ग्रे, दैट इज CG6, एंड CG6 का हम एक डार्क ग्रे देंगे एक लाइन. एंड नाउ वी विल पुट द ब्लैकेस्ट वन, दैट इज 120. ये सबसे ज़्यादा ब्लैक है. सो अब आप देख सकते हो कि इसमें जहाँ जहाँ पे कलर्स मैंने लाइन बनाए हैं वहाँ वहाँ पे हार्ड डिमार्केशंस हैं. अब जब आप कलरस ब्लेंडर का यूज़ करोगे, जैसे कि ये कलरस ब्लेंडर है हमारा, दैट इज़ 0 नंबर. अब जब आप इसका यूज़ करो तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे दोनों कलर्स मिल रहे हैं वहाँ पे आपको हल्के हल्के ऐसे करके चलाना है. बहुत ज़्यादा डार्क मत जाना, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मत चलाना, एकदम जहाँ एकदम हल्के से. और मैं कहूँगा कि जो फाइन निब है उस तरफ से चलाना, क्योंकि वो एग्जैक्ट वहीं पे पॉइंट करते जहाँ पे कलर्स मर्ज कर रहे हैं. अब देखो आपको ये दिख रहा होगा कि ये अजीब सा टेक्सचर सा आ गया है. ये क्यों? क्योंकि कलरलेस ब्लेंडर बेसिकली एक अल्कोहल ही है, मतलब कलरलेस अल्कोहल है. तो जब आप इनको दो कलर्स के बीच में चलाते हो तो क्या होता है कि वो कलर्स को और थिन कर देता है, एज अ थिनर. मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था,
क्लीनर की तरह ये काम करता है। तो के लिए हम क्या करेंगे कि जो लाइटेस्ट कलर है, दैट इज जो सबसे ऊपर वाला है, जो कि है हमारा CG2, उसको हम लेंगे एंड इसको हम सारे कलर्स के ऊपर से चलाएंगे, लाइक इसके ऊपर से भी। नाउ यू कैन सी कि सारे कलर्स एक में मर्ज हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने CG2 दैट इज़ द लाइटेस्ट वन चलाया, तो उसने एक और ऊपर से लेयर क्रिएट करी एंड इसमें भी अल्कोहल ही है, तो इसने सारे कलर्स को मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से आप जो कलर्स ब्लेंडर है उसका यूज़ करके इन कुछ कलर कॉम्बिनेशंस को ऐसे ब्लेंड करना, और अब ये मत सोचना कि आप कोई भी कलर यूज़ करोगे उसके ऊपर आप कलर्स ब्लेंडर चला दो तो वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। कलर्स ब्लेंडर बस जहाँ वो पार्ट होता है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पुट करता है, तो उस वजह से कलर वहाँ के थिन हो जाते हैं, और जैसे कि अभी आपने देखा वो एक अजीब सी लाइन सी बन जाती है, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगेगा अगर आप सब कलर्स में उसको यूज़ करोगे। तो ऐसे करके आपको कलर स्प्लेंडर यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट तरीके की तरफ यूज़ करते हैं जिसमें हम कलर कॉम्बिनेशंस का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, सो एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने डूडल्स को कलर कर सकते हो इन मार्कर को यूज़ करके, वो ये है कि आप ऐसे कलर सेलेक्ट करो जो बेसिकली बहुत आसपास। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 67 और 68 नंबर, मुझे इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक सी ग्रीन है और एक लाइट ब्लू है, तो इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही कलर सेलेक्ट करके लाइक लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, या फिर उन्होंने पिंक के दो चार शेड दे रखे हैं तो वो सारे पिंक आपने सेलेक्ट कर लिया, लाइक पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया, अगर आपको कहीं उसमें शेडो देनी है तो आप रेड कलर यूज़ कर लो। तो ऐसे कलर का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए कलरिंग करना इन मार्कर से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एज इन होगा ये कि आपको ब्लेंडिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और कलर्स एक दूसरे के आसपास होंगे तो आप इजीली चीज़ों को ब्लेंड कर पाओगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम कोई ऐसे कलर्स को कैसे ब्लेंड करते हैं। ये जैसे कि है हमारा 68 नंबर और 67 नंबर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। इसमें हमारा 67 नंबर जो है वो थोड़ा डार्कर साइड पर आता है और जो 68 नंबर है वो थोड़ा लाइटर साइड पर आता है। तो आई विल शो यू हाउ यू कैन यूज़ इट। सो बेसिकली क्या करना है, आपको पहले 67 नंबर लेना, दैट इज़ डार्कर साइड वाला, और जैसा कि मैं बहुत देर से बता रहा हूँ कि आप एक तरफ डार्क करो और एक तरफ लाइट करो ताकि उसमें एक 3D इफेक्ट बन के आए। तो हम वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले डार्क वाला जो 67 नंबर का है वो हम चला रहे हैं एंड दैट इज लाइट ब्लू, जो मुझे बहुत पसंद है। लाइट ब्लू मेरा फेवरेट कलर फॉर द टाइमिंग। नाउ वी विल टेक द लाइट वन, दैट इज 68 नंबर, जो कि सी ग्रीन है। तो ऐसे करके आप कलर कर सकते हो। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जहाँ पे ये कोलाइड हो रहे हैं वहाँ पे एक लाइन टाइप की बन रही है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये लाइन मर्ज करनी है तो आप क्या करो कि जो सी ग्रीन है, दैट इज़ जो हल्का वाला है, उसको आप ब्लू वाले में चलाओ एक बार ऐसे करके, ताकि इससे एक बार आप सी ग्रीन को ब्लू में चलाओ एंड देन फिर आपको क्या करना है कि आपको ब्लू वाला ले करके उस सी ग्रीन के ऊपर ऐसे करके रब करना है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इन कलर्स को दोबारा मतलब एक और लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इन कलर्स में ऐसा होता है कि आप जितनी लेयर्स करोगे उसी कलर की एक के ऊपर एक, तो वो और डार्कर होता जाता है, उसका पिगमेंटेशन और बढ़ता जाता है। पहले ये थोड़ा हल्का था तो मैंने एक लेयर और कर दी सेम कलर की उसी के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि कलर थोड़े और सैचुरेटेड लगते हैं और पिगमेंटेशन भी कलर का काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दो लेयर करने की ज़रूरत है उसी जगह पर, पिगमेंटेशन थोड़ा लो है, तो आप दो लेयर भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा और इसको 3D बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो हाथ वाला एरिया है वहाँ पे हम ब्लू से ऐसे करके लाइन बना देंगे, शैडो मतलब हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इस सेक्शन में भी हम ब्लू से करेंगे। पहले हम इधर ब्लू करेंगे एंड देन हम इधर सी ग्रीन करेंगे एंड फिर हम यहाँ पे ब्लू से ऐसे एक लाइन बना देंगे ताकि हम शैडो को रिप्रेजेंट कर पाएँ, सूखने के बाद थोड़ा सा डार्क हो जाता है। सो एज यू कैन सी कि कितना अच्छा इफेक्ट आया है इसमें। ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, 67 नंबर और 68 नंबर। ऐसे कई ढेर सारे कलर कॉम्बिनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, लाइक पिंक का भी दो चार दे रखा है, नंबर वाइज मैंने लिखा हुआ है। इन कलर्स को आप इसी तरीके से यूज़ करके अच्छे से मर्ज कर सकते हो और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेल गाइस, एट लास्ट मैं आपसे एक टेक्निक के बारे में और बात करूंगा जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। वो टेक्निक है जिसमें हम दो मार्कर्स को लेते हैं और उनको टिप को टच कराते हैं और एक की इंक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं जस्ट फॉर द ब्लेंडिंग पर्पस। तो ये मैंने ऑरेंज और येल्लो के साथ ट्राई किया था, तो मैंने ये चीज़ इसलिए रिकमेंड नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि
ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके मार्कर्स को बर्बाद कर देगी, क्योंकि मेरे में मैंने बहुत ज़्यादा इंक ट्रांसफर कर दी थी येलो में, तो येलो से ऑरेंज की इंक निकालने में मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने बहुत देर तक उसको पेपर पे रब किया, तब जाके ऑरेंज का इंक निकला और वो एग्जैक्ट येलो चला। तो ये चीज़ मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करूँगा आपको। बाकी ये जो कुछ टेक्निक्स थी जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करी, एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप यही टेक्निक यूज़ करो। आप अपने तरीके से जो टेक्निक आपको सूटेबल लगे, अपनी खुद की टेक्निक आप निकाल सकते हो, जैसे भी आप कलर ब्लेंड कर सकते हो। दीज आर सम ऑफ द वेज विच आई फाउंड टू ईजी टू कलर डूडल्स। वेल, इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं करूँगा वो ये कि आप ऐसे कलर सेलेक्ट करो जो एक दूसरे के आस पास हों, और उन कलर को यूज़ करके आप शैडो और हाइलाइट्स क्रिएट करो जिससे कि आपके डूडल्स 3D लगे। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही था, एंड आई होप मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बताई हो। अगर बताई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू स्टफ। टिल देन, पीस आउट।